औद्योगिक नगरी पीथमपुर के थाना सेक्टर एक अंतर्गत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से करीब 7.5 लाख का माल भी बरामद किया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी संतोष दूधी ने बताया कि 30 तारीख की रात जयनगर कॉलोनी स्थित संजय पटेल के मकान में कुछ अज्ञात बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित कर जाँच शुरू की और मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरों को गिरफ्तार किया। आज जो है की चोरी पकड़ाई है और क्या है सर पूरा मामला बताइए। 30 तारीख की रात को जयनगर में संजय पटेल के मकान में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की थी। उस संबंध में हमने नकदजनी का प्रकरण पंजीबद्ध किया था और इसकी पताराशी के लिए एक स्पेशल टीम बनाई थी, जिसमें एएसआई के परिहार, प्रधान आरक्षक सूरज तिवारी, शैलेंद्र शंकर और आरक्षक महेश, इनको लगाया था। तो मुखबिर सूचना और आसपास के सीसीटीवी कैमरे वगैरह देखे गए, करीब 50 से अधिक कैमरे देखने पर पाया कि एक काले रंग की मोटरसाइकिल है, उससे बदमाश आए थे वहां पर। मोटरसाइकिल साइन को हमने टेस्ट किया, उस पर दो लोगों को आने की सूचना पाई, जिसमें एक के हमारे थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर पुष्पेंद्र मोदी निकला और उसका साथी नीरज, इन दोनों से पूछताछ की तो इनके द्वारा वारदात करना कबूल की गई और इसके अलावा भी इनके द्वारा पूर्व में कई मोबाइल वगैरह चोरी किए थे, गैस की टंकियाँ चोरी की थी और दो साथियों के साथ इन्होंने और भी वारदातों को अंजाम दिया था। इसके तीसरा साथी है प्रेम सिंह और चौथा है संजय कैलाश परमार। ये चारों बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड है और पूर्व में भी गिरफ्तार हुए हैं। इनसे करीब 11 गैस की टंकियाँ और 45 मोबाइल जो इनके द्वारा चोरी किए गए थे और एक मोटरसाइकिल जो इंदौर के तुकोगंज क्षेत्र से इनने चोरी की थी वो जब्त हुई है और इसके अलावा करीब 45 ATM कार्ड भी इन्होंने लोगों से चोरी किए हैं पॉकेट मार करके। तो ATM और मोबाइल चुराने के बाद ये मोबाइल की सिम अपने दूसरे मोबाइल में डालकर ATM का पासवर्ड प्राप्त करते थे और UPI ID बनाकर उससे ATM से पैसे निकालने के लिए प्रयास करते रहते थे। इस तरह से इन्होंने कई वारदातें की हैं, इनसे पूछताछ हो रही है और संजय पटेल के घर से जो माल बरामद हुआ चोरी किया था करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का माल बरामद हुआ। सर इनके ऊपर कुछ प्रकरण भी है पुराने? जी हाँ, आपराधिक। इसमें नीरज ताराचंद कोरी ये मूल रूप से रहने वाला देवरी सागर का है, वहाँ भी इसने मर्डर किया है, जमानत पर है वहाँ से और इसके अलावा दो मामले इसके मारपीट के वहाँ पर। पुष्पेंद्र जो है यहाँ का स्टीसीटर बदमाश है, ये भी 15 दिन पहले जेल से छूटा है, फिर इसने वारदात को अंजाम। सर जब्त माल की कीमत कितनी होगी लगभग? करीब 5 लाख रुपए के आसपास कीमत मोबाइल की है और संजय पटेल के घर से 2.5 लाख रुपए का माल चोरी किया था। हुआ कितने आरोपी सर टोटल? इसमें टोटल 4 आरोपी हैं, चारों गिरफ्तार हो गए। ठीक।